हेलो गाइज, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो जोन था ना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से ट्रैपिंग हुआ है। एंड ये ट्रैपिंग वाला मोमेंट के बारे में हमने लाइव मार्केट में आपको अपडेट करके बताया था। अब इसका जो लाइव मार्केट का अपडेट है हमने कहाँ पे किया था, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसके अंदर हमने बिल्कुल लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था कि किस तरीके से ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हो सकती है एंड आपको वहाँ से कैसे बच के रहना चाहिए। हर एक चीज़ का लाइव मार्केट का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है फ्री वाले टेलीग्राम में। अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैपिंग वाले मोमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बढ़िया सा ट्रैपिंग मोमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ है। मार्केट में सिचुएशन बनती क्या है, यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक अपर साइड का जाने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था इस जोन के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि मार्केट में ना, यहाँ से जितने लोग पुट साइड परचेस करते हैं वो ट्रैप होते हैं, यहाँ पे जितने लोग सी साइड परचेस करते हैं वो भी ट्रैप होते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट वापस सडन डाउनफॉल करता है, तो जितने लोग यहाँ पे वो तो ट्रैप हो गए, जितने लोग यहाँ पे थे वो भी ट्रैप हो गए, जितने लोग यहाँ पे आने के बाद लेते वो ट्रैप हो गए, और यहाँ पे जिसने भी ऊपर का साइड का लिया था वो ट्रैप हो गए। मतलब कि चार टाइम्स जो है वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो कहीं ना कहीं भी मार्केट क्या करेगा, क्या ट्रैप होने के बाद मार्केट अपर साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। तो इसका ना सिंपल सा लॉजिक है। अब वो लॉजिक कैसे है, लॉजिक ने कैसे काम किया, किस तरीके से अपने एंट्री लगभग इन लेवल्स के आसपास बनी एंड मार्केट ने एक अपर साइड का मोमेंट दिया। अब ये वाला जो कैंडल्स है, ये वाला कैंडल्स ना एक अपना ट्रेंड लाइन के पास बन रहा था। किन से लाइन के पास, ट्रेंड लाइन के पास। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड नीचे मार्केट मूव कर रहा है, तो क्या करने वाला है, मार्केट आपको ट्रैप करेगा। इधर आप उस ट्रेंड लाइन को जो है उस जोन को अवॉइड कर सकते हो ताकि आपका जोन अवॉइड हो जाए, या फिर कंप्लीटली उस ट्रेंड लाइन को ट्रैप होते होते कैसे ट्रेड करना है वो आप समझ सकते हो। उसके बाद में जो 30-90 सेटअप होता है वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। अब यहाँ पे ये वाले लॉजिक पे एंट्री लेने का लॉजिक क्या बनता है वो समझने के पहले तो कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेने का सिंपल सा लॉजिक ये है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें नजर आती है। अब अगर हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। एंट्री प्लान करने के लिए दो लॉजिक निकल के आएगी। अब जो सबसे पहले लॉजिक यहाँ पे रहेगा कि वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में चल रहा था, तो यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता था और यहाँ पे रिस्क लेने के बाद में काफी बढ़िया सा प्रॉफिट अपने यहाँ पे लगभग जनरेट हो चुका था। अब टारगेट अपना यहाँ पे था, लेकिन अगर आप उसके बाद भी देखते हो तो मार्केट धीरे धीरे करते हुए कहाँ तक गया है, 46,900 तक। एंट्री कहाँ पे हो रहा है, लगभग 46,730 के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के 900 तक, अब आप खुद सोच के देखिए कि ये प्रॉफिट कितना बड़ा है। तो लगभग ये जो प्रॉफिट है लगभग 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। अब इतना प्रॉफिट तो मार्केट दे रहा है, लेकिन आप कितना ले रहे हो, क्या आप यहाँ पे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले रहे हो, यहाँ पे आप 50 पॉइंट का ले रहे हो, या फिर आप 100 पॉइंट का ले रहे हो, ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके साइकोलॉजिक पे कि कितना आप ले सकते हो। देखिए उसके बाद उसके ऊपर भी गया, उसके बाद कितना ऊपर गया वो भी देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर के सीधा 930 पे गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से मार्केट ट्रैप मोमेंटम जनरेट होता है हर एक चीज। अभी न्यू टाइम के लिए हमारे पास बेहतरीन से लेवल्स क्या रहेगा, ठीक है। तो बेहतरीन लेवल्स रहने के लिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने पास। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो काफी बढ़िया से अपर साइड के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं, 44,700, 47,257 से लेकर के 344 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल करता हुआ हमें नजर आएगा एंड 46,600 के लेवल्स भी हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अब ये जो जोन रहेगा सेंटर जोन, ये काफी रिस्की जोन यहाँ पे होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे रेसल कटना शुरू हो सकता है, फिर चाहे वो ऊपर की डायरेक्शन में हो या फिर चाहे वो नीचे की डायरेक्शन में हो। एंड यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे सभी लोगों के एसएल हंटिंग का यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसका और भी डिटेल जो होता है कि क्विक ट्रेड एनालिसिस कैसे होगी, सी होल्डिंग किया है तो फिर कहाँ पे एंट्री बनेगा, पी होल्डिंग किया है तो फिर कहाँ पे एंट्री बनेगा, हर एक चीज आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली बताया जाएगा। उसी के साथ साथ इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है अपना काफी बढ़िया से यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो चुका था ये वाले जोन में। अब यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होने का सिंपल सा लॉजिक था एंड वो लॉजिक कैसे था, किस लॉजिक पे वापस जनरेट हुआ था प्रॉफिट्स, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो है हमने बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया से प्रॉफिट्स वापस जनरेट किए थे। एक
अपोजिट डिरेक्शन के प्रॉफिट्स भी हमने वहाँ पे जनरेट किए थे, मतलब कि मार्केट के अपोजिट में जाकर के अपना प्रॉफिट जनरेट किया। एंड हर एक चीज का लाइव मार्केट का अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, एंड ये चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बेहतरीन से लेवल्स होने वाले हैं इसके लिए, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अपना सपोर्ट बनता है तो मार्केट यहीं से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे 22,040 के आसपास में। एंड अगर इसे नीचे जाना है तो फिर नीचे के लिए 21,910 का लेवल रहेगा। अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो फिर 930 लेवल्स की हमारे लगभग स्टॉप लॉस वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। वहाँ से मार्केट अगर नीचे आना चाहता है तो फिर आप 21,800 के टारगेट्स के लिए वहाँ पे वेटिंग कर सकते हो। तो फिलहाल के हिसाब से तो निफ्टी 50 में कुछ इस तरीके से टारगेट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। जिस डिरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करेगा उस डिरेक्शन का साइड का हम प्लान वहाँ पे करेंगे। ओके, अब जो बड़ा टारगेट्स होने वाले वो कैसे रहेंगे, देखिए यहाँ पे अपना जो डाउनफॉल का टारगेट्स हैं जो अपर साइड टारगेट्स है वो दोनों अचीव हो चुके हैं। अगर हम डाउन साइड से अपर साइड की बात करें यहाँ पे, तो कितना लगभग यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ होगा, एक बार कंफर्म में चेक करने की कोशिश करें तो लगभग 300 पॉइंट्स का जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपर साइड में डाउन साइड में, वो तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से मार्केट मोमेंटम होने वाला है, हो सकता है हर एक चीज का लाइव मार्केट का अपडेट मैंने आपको अभी यहाँ पे बता के रखा है। अभी यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी भी देखते हो तो फिन निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत हेवीली हो चुका है। अभी इस ट्रैपिंग को डाउनसाइड करने के लिए 20,735 का लेवल्स ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाकर के हम डाउनफॉल के टारगेट 20,675 के लेवल्स तक आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनफॉल अगर मिलता है तो आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे डाउनफॉल नहीं मिलता है, कंटिन्यूसली अगर एक अपर साइड का मूवमेंट हमें मिलता है, अब अपर साइड के मूवमेंट के लिए हमें लगभग ये जोन चाहिए, मतलब 20,710 का जोन। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है मार्केट्स तो फिर अपना ऊपर का टारगेट 20,860 का रहेगा। एंड यहाँ से अगर डाउनफॉल में भी करता है तो ये वाला जोन, मतलब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ से एंट्री आपको ऊपर लेना है या फिर यहाँ से आपको एंट्री नीचे लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा बन सकता है आपका। तो अगर उतना स्टॉप लॉस ले पाते हो तो जाकर के मार्केट में एंट्री करो, नहीं तो फिर यहाँ पे मार्केट में इस दिन के लिए तो भी आपको मार्केट से बाहर रहना पड़ेगा। अगर एक दिन मार्केट से बाहर रहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उससे अगले दिन भी प्रॉफिट आप कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रैपिंग वाले मोमेंट भी हो चुके हैं, एक बड़े ट्रैप मोमेंट के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, तो एक बड़ा सा मूव कहाँ पे मिल सकता है उसका इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर ये लेवल्स हमारे ब्रेक होते हैं तो बड़े टारगेट्स यानी कि 560 का मिल सकता है हमें, एंड उसके बाद में 683 का दो टारगेट्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा मूवमेंट होने वाला है ना वो कौन सी डायरेक्शन में होगा वो मैं आपको बताऊंगा लाइव मार्केट में। सेंटिमेंट किस तरीके से रहेगा मार्केट का वो भी आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आकर के ज्वाइन कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है। ओके, सो टोटली फ्री टू ज्वाइन है, कोई भी आकर के आप ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए, या फिर सीधा सीधा आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए, एंड वहां से भी आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं।